हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा, आई होप आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारा पहाड़ी लुक वाला घर भी पसंद आया जो कि दिल्ली में है, क्योंकि पहाड़ की बात ही अलग होती है यार। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू ब्लॉग और हम जा रहे हैं अभी मार्केट शॉपिंग के लिए, जो कि है धनतेरस की शॉपिंग। मैं मतलब एक चीज़ मुझे लेनी थी, मैं उसका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मुझे मिल जाए, बट वो नहीं मिल पा रही थी। बट फाइनली वो दिन आ गया है जिस जो मैं लेने जा रही हूँ, और मैं रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। अनु गए हैं अभी थोड़ा सा बाहर और पापा मम्मी रेडी हो रहे हैं नीचे, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं अभी पूरा अपना लुक दिखाऊंगी आपको, नॉर्मल है, मार्केट ही जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ बाहरी प्लान किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अभी मार्केट और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। हमने बेडशीट देख रहे हैं, मतलब हमें बेडशीट भी लेनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में सारा काम हो जाए। तो अभी हम आए बेडशीट देखने के लिए। तो गाइज अभी हम आए बर्तनों की दुकान में और आप भी देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। शाम के देख लीजिए ना, किसकी शाम को देख लीजिए ना, दिखाने दी ना, अब तो रात होगी, साढ़े नौ के अप्रोक्स हम लोग आए हैं यहाँ पर अभी। फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैंने चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया है, और अभी हो रहा है 11 बज गया है। हमें काफ़ी लेट हो गया था वहीं पे, 9:30 तो हमें बर्तनों की दुकान पे ही हो गया था। उसके बाद हम लाइन पर लगे जो बर्तन लिए हमने, क्योंकि बर्तनों की दुकान पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी धनतेरस की वजह से। वो तो मम्मी पापा जैसे तैसे करके लेके आ गए हैं, वो भी 2 प्लेट्स लेके आए हैं बस। और तो अभी खाना वगैरह हम लोग बाहर से ही लेके आ गए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन धुल गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि मुझे दिवाली गिफ्ट इस बार क्या मिला है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे दिवाली गिफ्ट क्या मिला है। तो इस बार मैंने इयररिंग्स लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। मुझे एक बार में ही देख के पसंद आ गए थे, वैसे मैंने ऑनलाइन देखे थे, ये वीडियो में देखे थे, मुझे तब से ही पसंद है, तो मैंने इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो यही मैंने जाके शॉप पे दिखाया और सेम टू सेम पीस मुझे वही मिल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसके लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, और ये गिफ्ट में दिया है मेरे पति देव ने मुझे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। इस फाइनली वेट इज ओवर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इयररिंग्स, ये मेरे इयररिंग्स हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच हबी, मुझे प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, तो फाइनली मुझे मिल गया है। अब मैं इसे डेली यूज़ में वियर किया करूँगी। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा और मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, और मैंने अभी से वियर भी कर लिए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं मेरे फेस पे। तो मुझे लिटरली इसकी ना बहुत ज़्यादा नीड थी। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, मैंने कान में एक बाली टाइप के पहन रखे थे, क्योंकि मुझे वैसे ही वाले ही पसंद हैं। और जो पीछे से हुक लगाते हैं ना, पीछे से क्या होता है वो पिन लगाते हैं, कान के पीछे का जो होता है वो लगाते हैं, तो उसमें ना मुझे कंफर्ट नहीं होता। एक तो वो चुभते हैं पीछे, और दूसरा ना मैं खो बहुत जल्दी देती हूँ। और मैंने जो गोल्ड के पहने थे शादी पे जो मुझे मिले थे, वो भी मैंने पहने थे, तो वो भी ना 2-3 बार खो गए थे मेरे से। तो फिर मैं इसीलिए मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो मैं डेली यूज़ के लिए कुछ ऐसा लेना चाह रही थी, जो कि इस बार उन्होंने मेरी ये विश भी पूरी कर दी है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहनने के लिए थे नहीं, मेरे पास पहनने के लिए 3-4 जोड़ी और रखे हुए हैं, बट वो वही पिन वाले हैं, तो मुझे वो ना पसंद नहीं आते, इसलिए कंफर्ट नहीं होते, मतलब मैं संभाल नहीं पाती, यू कैन से कि मैं हैंडल नहीं कर पाती। जी हाँ, मैं नहीं संभाल पाती उनको, मेरे से ना खो जाते हैं। कई बार तो दीदी लोगों के साथ सामने ही मेरे खो गए हैं वो कान से, दीदी लोग ढूंढती हैं फिर इधर उधर, तो फिर मैंने घर में पहनने ही बंद कर दिए थे। तो छोटे से मैंने जो गिफ्ट किए थे अनु को, मैंने वही डाल रखे थे। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।